प्याज को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि कीमतों में काफी कमी आई है और ये स्तर 2020 और 2019 में खुदरा कीमतों से काफी नीचे है। आंकड़ों के अनुसार 25 नवंबर को प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 39 रुपये प्रति किलो था, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 32% कम है। मंत्रालय ने कहा है कि उसने मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF के तहत बनाए गए 2.08 लाख टन के बफर प्याज स्टॉक को उन राज्यों और शहरों के लिए व्यवस्थित और लक्षित तरीके से जारी किया है जहां कीमतें पिछले महीने की तुलना में बढ़ रही थी। लासलगांव और पिंपलगांव जैसे बाजारों में भी स्टॉक की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस स्टॉक को जारी किया गया है। सरकार की मदर डेयरी की सफल इकाइयों को भी परिवहन लागत सहित 26 रुपये प्रति किलो प्याज की आपूर्ति की गई है। मंत्रालय का कहना है कि बफर से प्याज की भारी मात्रा के जारी किए जाने से कीमतों में स्थिरता आई है। कुछ राज्यों में प्याज का आयात भी किया जा रहा है। बीच बीच में प्याज की कीमतों में अच्छी तेजी भी बनती नजर आई थी, जिसको देखते हुए व्यापारियों ने मुनाफा कमाने के लिए प्याज के आयात के ऑर्डर्स दिए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तुर्की और ईरान के प्याज का आयात कुछ मंडियों में देखा जा चुका है और साथ ही नई प्याज की आवक भी ठीक ठाक ही है। प्याज की आवकों में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।